वो जर्नी भी आसान नहीं रही है मेरे लिए। मुझे कई सारे चीज़ें, कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़े हैं। वो तो मेरे माइंड में तब भी था कि ये चीज़ रंग लेकर आएगी ही। मैंने फैसला ही इसी वजह से लिया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। टफ कॉम्पिटिशन, निया इज़ अ फैबुलस डांसर और रुबीना इज़ अ फैबुलस परफॉर्मर, वो हर कोई जानता है क्योंकि उन्होंने इससे पहले बिग बॉस में भी। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खुद को देखने के लिए इस शो में, क्योंकि ये एक ऐसा शो है जो हर किसी का सपना रहता था और मेरा भी रहा है। तो एक ऐसा जो शो है जिसको आप बचपन से देखते आ रहे, इतने सालों से देखते आ रहे, इस शो का हिस्सा बनना एक छोटी बात तो नहीं है मेरे लिए। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और ये जो जर्नी रही है इस शो के पहले पड़ाव पे, यू नो, अपने कदम रखने पर, वो जर्नी भी आसान नहीं रही है मेरे लिए। मुझे कई सारे चीज़ें, कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़े हैं। एंड डेफिनेटली ये एक ऐसा शो है जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। यहाँ पर मुझे कमाल के लोग मिलने वाले हैं और मेरी जो कोरियोग्राफर है, बाय गॉड्स ग्रेस शी इज़ जस्ट फैबुलस, शी इज़ जस्ट परफेक्ट। सो वो चीज़ ने, यू नो, एडअप कर दिया है मेरे एक्साइटमेंट लेवल पर। और जो जजेस हैं हमारे, वो जजेस भी इतने लेजेंड, इतने बड़े लेजेंड हैं कि उनके सामने परफॉर्म करना भी मेरे लिए एक मतलब एक सपने से कम तो नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल रंग लेकर आया, और वो तो मेरे माइंड में तब भी था कि ये चीज़ रंग लेकर आएगी ही। मैंने फैसला ही इसी वजह से लिया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे बस इतना पता था कि मैं एक ऐसे शो का हिस्सा बनने जा रहा हूँ जो 5 साल बाद आ रहा है, जिसके लिए लोगों ने बेसब्री से इंतज़ार किया है। और ये इतना ग्रैंड शो है, इतना ज़्यादा खूबसूरत शो है जो, यू नो, हर कोई, मैं किसी से मिला ही नहीं हूँ अब तक ऐसा जिसने मुझे ये नहीं कहा कि उसने अब तक कोई सीज़न नहीं देखा है झलक के। हर किसी ने कोई ना कोई सीज़न तो देखा ही है फॉर श्योर, कोई ना कोई सीज़न फॉलो तो किया ही है। सो मैं एक ऐसे शो का हिस्सा बना हूँ अभी जहाँ पर मुझे पता है कि हर किसी की नज़र मुझ पर होगी और हर कोई यही जानना चाहेगा कि मैं इस जर्नी में और कितना आगे जाता हूँ। सो मुझे बस अपना 100% देना है यहाँ पर, और मैं अपने साथ कोई भी रिग्रेट लेकर नहीं चलने वाला। मेरी कोरियोग्राफर भी मुझे बोलती रहती कि वी जस्ट हैव टू वर्क वेरी हार्ड और हम लोग को बहुत आगे जाना है। मैं उसको कहता हूँ कि यार, मैं नहीं सोच रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में, मैं प्रेशर खुद पर ले ही नहीं रहा हूँ। मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपना 200% दूंगा, लेकिन मैं रिज़ल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि मैं कब निकलूंगा या फिर मैं फिनाले में जाऊंगा या नहीं। मैं बस ये जर्नी एंजॉय करना चाहता हूं, मैं अपना 100% देना चाहता हूं, और मेरी नज़र सिर्फ ट्रॉफी पर है और मैं चाहता हूं कि वो ट्रॉफी पर मेरा हाथ हो, लेकिन मैं उस चीज़ का प्रेशर नहीं ले रहा हूं। मैं यह इस शो से जब भी जाऊंगा तो बहुत कुछ सीख के जाऊंगा और बहुत कुछ लेकर जाऊंगा। मुझे लगता है करण सर को इम्प्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि करण सर इज़ अ मेकर। उन्होंने हर चीज़ देखी है, छोटी से बड़ी चीज़, अगर छोटा सा इशू भी उनको दिख जाए, अगर आप खामी दिख जाए ना, तो वो पॉइंट आउट कर देंगे, मुझे इतना पता है। क्योंकि रही बात डांस की, रही बात एक्टिंग की, रही बात एक्सप्रेशंस की, तो वो हर चीज़ की समझ रखते हैं। सो उनके सामने उन्हें इम्प्रेस करना वुड बी अ वेरी वेरी बिग टास्क, और मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें इम्प्रेस करूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे डांस परफॉर्मेंस की तारीफ़ भी करें। मेरी फैमिली, अब सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो मुझे यही रहा है कि लोगों ने मुझसे यही कहा है कि आपने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही फैसला लिया है, एंड आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। सो झलक दिखला जा का जो आपका फैसला है बिल्कुल सही रहा है, ये सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स मुझे आए, और ये कंटिन्यूसली आ रहे हैं। ऑनेस्टली मैंने अब तक ऐसा कोई मैंने मैसेज देखा ही नहीं कि लोगों ने मुझे कहा कि आपने गलत फैसला लिया। ये फैसला जो लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, और लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार आ रहा है ये प्रोमो देखने के बाद। सो मैं बस चाहता हूँ ये प्यार ऐसे ही बरकरार रहे। एज अ डांसर अगर देखा जाए तो मैं अपने आप को 1 या 2 ही रेट करूँगा, क्योंकि मैं अपने आप को एक बहुत अच्छा डांसर नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। मैं एक बिगिनर हूँ, और मैं यहाँ से जो भी लेवल पर जाऊँगा वो यहीं से बनकर जाऊँगा। सो देखते ये जो जर्नी है उसके अंत में मैं 10 में से अपने आप को कितने मार्क दूँगा। जुनून, पैशन, मेरे लिए डांस पैशन है, बिकॉज एक एक्टर की जो लाइफ है वो डांस के बिना अधूरी है। सो मैं एक्टर तो हूँ, मैंने परफॉर्मेंस तो कर मतलब एक्टिंग तो परफॉर्म कर लिया है, लेकिन इससे पहले मैंने डांस पे अपना, यू नो, अपने कदम नहीं जड़े। तो अब वो एक ऐसा मौका मिल गया है मुझे जहाँ पर मुझे अपना डांस इम्प्रूव करने का मौका मिला है। सो मैं अगर एक अच्छा डांसर बन गया तब मैं अपने आप को एक कम्प्लीट पैकेज मानूँगा।
बहुत ज़्यादा तगड़ा है इस बार कॉम्पिटिशन, और इसी वजह से यही चीज़ इस शो की USP है कि यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं है, चाहे वो कोई भी रहे। तो ये चीज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आपके अगर कोई कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है तो आप बेटर होंगे कैसे। सो जितना तगड़ा कंपटीशन है उतने बेटर होने के चांसेस, उतनी मेहनत के चांसेस हैं आपके, तो उतनी मेहनत करना है। और मैं यहाँ पे मानता हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे डांसर्स हैं, जैसे कि कश्मीर हो गए, जैसे अमृता जी हो गई, जैसे गुंजन है। सो ये सारे लोग बहुत अच्छे डांसर्स हैं, मतलब एक्टर तो है ही लेकिन डांसर भी कमाल के हैं, तो उनसे कॉम्पिटिशन डेफिनेटली है। लेकिन मैं अपना कॉम्पिटिशन खुद को मानता हूँ, तो मुझे बस जो आज हूँ मैं उससे कल बेहतर होना है मुझे। सो मैं अपने आप पे मेहनत करूँगा और मैं बस इतना एम करूँगा कि मैं एज अ डांसर बेटर होता जाऊँ। बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन, निया इज़ अ फैबुलस डांसर और रुबीना इज़ अ फैबुलस परफॉर्मर, वो हर कोई जानता है क्योंकि उन्होंने इससे पहले बिग बॉस में भी एक खिताब जीता, एक ट्रॉफी जीती है। सो उनके लिए आई थिंक दिस इज़ गोना बी अ पीस ऑफ केक, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसा परफॉर्म करना है और उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और उनका मेहनत कितनी होनी चाहिए। सो शी हैज़ दैट नॉलेज, सो तगड़े परफॉर्मर्स है। फैज़ल खान जो है वो है तो मेरे नेबर ही और अच्छे डांसर भी है, इतने खूबसूरत डांसर है और इतने अच्छे एक्टर भी है वो। सो फैज़ल को देखकर मेरे अंदर और मोटिवेशन आ गया था कि यार ये बंदे की जर्नी जो है वो इतनी खूबसूरत है, कहाँ से वो उसने मेहनत कर करके कहाँ से वो इतने बड़ा खिताब जीता है। सो मेरा एम वही है कि मैं भी अपनी नज़र ट्रॉफी पर ही रखूँ। मेरी फैज़ल से इस बारे में कोई बात तो नहीं हुई है ऑनेस्टली, लेकिन मैं फैज़ल से बात करने वाला हूँ क्योंकि अभी ये जर्नी शुरू हो चुकी है और मैं फैज़ल से थोड़ी बहुत टिप्स तो डेफिनेटली लूँगा कि भाई थोड़ा बता दे मुझे कि कहाँ पर मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। बॉलीवुड इज़ माई फेवरेट डांस फॉर्म। अगर देखा जाए तो मैं कंटेम्प भी मुझे बहुत पसंद है, जो कंटेंट मैं देखता हूँ, लेकिन देखने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है। सो देखने में खूबसूरत लगता है वो, लेकिन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो बॉलीवुड इज़ समथिंग विच आई एम एमिंग फॉर कि कोई ऐसा हफ्ता है जहाँ पर मैं कंप्लीट बॉलीवुड फॉर्म ट्राई करूँ। एक गाना है दैट रिमाइंड्स मी समहाउ दैट रिमाइंड्स मी ऑफ माई फेवरेट कंटेस्टेंट जो रह चुके हैं, सुशांत सिंह राजपूत। सो उनका सॉन्ग है 4 कदम फ्रॉम PK मूवी, तो उस पर मुझे कहीं ना कहीं परफॉर्म करना है।